कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज जो है मैं बना रही हूँ बिहारी बोडी, ठीक है? तो बिहारी कबाब बोडी, ठीक है? तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मैं चीज़ें आपको बता दूँ। चाहिए होंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रश चिलीज, पीसी हुई लाल मिर्चें, ज़ाफ़रानी गरम मसाला, मीट टेंडर्स मीन्स के गलावटी पाउडर आपको चाहिए होगा, उसी का बिहारी कबाब का मसाला पैकेट चाहिए होगा प्रॉपर, ठीक है? एक पाव दही चाहिए होगी और सरसों का तेल और पिसा हुआ गरम मसाला। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है मैं ये पाउडर लूँगी, मसाला लूँगी बिहारी कबाब का, ठीक है? ये पूरा पैकेट जाएगा और मेरे पास जो है तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त है। ये मैंने मसाला मैंने बाउल में डाल दूँगी, ठीक है? आपके सामने मैं डाल दूँगी। अब ये गोश्त है पूरा डाल दूँगी इसमें, ठीक है? सही। इसमें मैं डालूँगी गिलावटी पाउडर ताकि गोश्त सही से गल जाए। ये देखें, और ये फलक वालों का है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल लूँ, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून में बिल्कुल फ्रेश चिली ले लिए, ठीक है? ये मैंने गरम मसाला डाला, ज़ाफ़रानी, ये रेड चिली पाउडर, सही। ये हम डाला करियंडर पाउडर, पिसा हुआ धनिया, ठीक है? अब ये एक पाव दही लेंगे हम, वो हम डालेंगे। पाउडर यूज कर लेंगे हम, सही। अब हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल से ये होता है कि मसाला अच्छा बैठ जाता है। तो ये मैं सरसों का तेल डाल दिया, ठीक है? तो अब हम मिक्स करेंगे अपने हाथों से, ठीक है? ये भी मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छी तरीके से मसाला पूरा ऊपर से लेके जान कर लेना है, ठीक है? अच्छा, ये हम जो है सीखों पे नहीं बनाने वाले, ये हम बनाएंगे स्टीम देंगे गोटियों को। तो जब हम गोटियाँ स्टीम दे देंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर। ये जो है क्या कहते हैं, मैंने मिक्स कर लिया मसाला, ठीक है? ये इसकी लुक है। अब इसको जो है मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, बल्कि आप फ्रिज में नहीं रखें, मर्जी आपके पर डिपेंड है, हम ढाक के रख देंगे, ठीक है? फिर उसको 2 आवर्स बाद हम जो है स्टीम देंगे, तो फिर हम आपको दिखाएंगे। हो गया, अब मैं ऑयल डालूँगी थोड़ा सा, सरसों का तेल डालना, ठीक है? ठीक है बेटा। मैंने ले लिया गोश्त, अब ये गोश्त मैं इसमें डाल दूँगी फिर इसमें तकरीबन देख सकते हैं, ठीक है? प्यारी रोटी का मसाला और ये भी देख सकती, ठीक है? अब ये इसमें पानी नहीं डालना, ये पानी अपना खुद छोड़ देगा,
और इसको हल्की आँच से पकने देना है, ठीक है। फिर मैं आपको उसका दिखाती हूँ आखिर का रिजल्ट। करी कबाब रेडी, ठीक है। तो मुझे बताइएगा इस रेसिपी को बना के कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर एक वीडियो के साथ हाजिर होंगी। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।